नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरे वो 1,00,000 सब्सक्राइबर्स या फिर कहिए मेरे गार्डनिंग दोस्त जिसने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है, वो सभी को मैं सहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं वादा करता हूं मैं आपको इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पर देता रहूंगा। दोस्तों, 10 से 15 दिन की लगातार बारिश के बाद जब हल्की सी धूप निकलती है तो एडिनियम्स में फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ एडिनियम्स में प्रॉब्लम भी आने लगते हैं। स्पेशली जो छोटे छोटे अरेबिकम्स की वेराइटीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। उसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। दोस्तों, ये मेरे कुछ अरेबिकम्स के छोटे छोटे प्लांट्स हैं जिसके जो पत्ते हैं वो बारिश में तो बहुत ही हरे भरे थे, लेकिन जैसे ही धूप निकली इसके 6 से 7 दिन में वातावरण में बदलाव के साथ साथ इसके पत्ते कुछ ऐसे हो गए हैं। अरेबिकम्स के इन सारे प्लांट्स पर वायरल इन्फेक्शन या फिर कहिए फंगल डिजीज लग गया है, जिससे इसके जो पत्ते हैं वो पीले होने लगे हैं और गिरने लगे हैं, और साथ ही में इस पर कुछ इस तरह की स्पाइडर नेट्स भी जम गई है। दोस्तों, ये सभी निशानी वायरल इन्फेक्शन या फंगल डिजीज की निशानी है। मेरे कुछ अरेबिकम्स के तो सारे पत्ते झड़ गए हैं, आप देख सकते हैं। और जो वातावरण में बदलाव हुआ है, इससे मेरे जो छोटे छोटे सीडलिंग्स थे इन पर भी बहुत असर पड़ा है। इनके पत्ते भी पीले होकर गिरने लगे हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, बारिश की सीजन में ऐसा होता है और आपके प्लांट्स को नुकसान भी होता है, लेकिन दोस्तों आप घबराइए मत, मैं आपको कुछ सुझाव देता हूँ जिससे इस बारिश में आपके अरेबिकम्स में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको बस इतना करना है, जितने भी पत्ते पीले पड़ गए हैं वो सारे पत्ते को तुरंत ही निकाल दें और प्लांट से दूर फेंक दें। इसे कभी भी पॉट में मत डालें, नहीं तर ये फंगल डिजीज फिर से लग जाएगा। अगर सारे पत्ते पीले पड़ गए हैं तो वो सारे पत्तों को निकाल दें, और जिस लीव्स पर इस फंगल डिजीज का कम असर हुआ है इसे अपने हाथों से कुछ इस तरह से क्लीन कर दें। और प्लांट्स पर जो स्पाइडर नेट्स जम गई है इसे अपने हाथों से निकाल दें, और अगर आपको पत्ते पर चिकनाहट महसूस हो तो इसे किसी गीले कपड़े से साफ कर दें। एक बार जब ये सारे लीव्स अच्छे से क्लीन हो जाए इसके बाद क्या करना है, चलिए अब देखते हैं। अब 1 लीटर पानी में 1 से 2 चम्मच जितना कोई भी फंगीसाइड पाउडर ले, और इसे जब सुबह में हल्की सी धूप निकले तब सारे लीव्स पर कुछ इस तरह से स्प्रे कर दें, और स्प्रे करते समय आपको ऐसे पीले पत्ते दिखे तो इसे भी निकालते जाइए। अगर अरेबिकम्स के सारे पत्ते गिर जाते हैं तो भी आप घबराइए मत, क्योंकि ये जो नए पत्ते हैं वो फिर से निकलना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको ऐसे अफेक्टेड लीव्स दिखे तो इसे तुरंत ही रिमूव कर दे, और जो कम अफेक्टेड हुए हैं इस पर ये फंगीसाइड का स्प्रे कुछ इस तरह से कर दे। और हाँ दोस्तों, अगर आपके अरेबिकम्स में ये प्रॉब्लम ना आया हो फिर भी जब भी बारिश रुके तब आप वीक में 1 बार किसी भी अच्छे से फंगीसाइड पाउडर का इन पर स्प्रे जरूर कर दें। दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी बातों का अगर आप गार्डनिंग करते समय ध्यान रखेंगे तो आपके गार्डनिंग प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आशा रखता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।